हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, और फैन ऑफ कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, और कहीं कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ काव्या के स्कूल। आज उसकी पेरेंट्स मीटिंग है, साथ में उसका कॉपी सबमिट करवानी है, जो उसकी वर्क करी थी वो कॉपी सबमिट करवानी है। काव्या भी रेडी हो चुकी है, तो काव्या को लेके जा रही, बहुत दिनों बाद स्कूल जा रही है, देख लेगी थोड़ा सा, उसको अच्छा लगेगा वहाँ का माहौल देखकर, और टीचर से भी बातचीत हो जाएगी उसकी। तो बस मास्क पहन लेती हूँ, घर का काम अभी ज़्यादा कुछ हुआ है। उल्टा पहन रही हूँ, देखो वाइट कलर का वॉशिंग मशीन पे रखा, आपका वॉशिंग मशीन पे रखा है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो काव्या के स्कूल से आ गई हूँ मैं, और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। तो बस यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ, इनके पापा चाय का वेट कर रहे हैं, साथ में दूध भी गर्म करना है, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में इतने काम रहते हैं, और कहीं जाने का हो जाए ना तो काम छूट जाते हैं। तो मैंने तो चाय पी ली थी, लेकिन इनके पापा ने नहीं पी थी चाय, तो उनके लिए बना रही हूँ। साथ में शक्कर ख़त्म हो गई, तो इस डिब्बे में मैं शक्कर भर के रखती हूँ। 15-15 किलो के डिब्बे हैं, तो शक्कर और चावल मैं इकट्ठे लेके आ जाती हूँ, 10-10 15-15 किलो, तो इनमें भर के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ चाय रेडी हो चुकी है हम लोगों की, तो बस चाय छान लेती हूँ, चाय पी लेते हैं। और ये सेकेंड चाय हो रही है मेरी, और इनकी फ़र्स्ट चाय हो रही है, और अभी शायद एक बार और पियेंगे ये, तो मेरी तो 2-3 चाय हो जाती है। तो चलिए चाय छान लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और चाय के साथ साथ काव्या की मैगी भी बनाई थी मैंने, तो उसको भी मैगी दे देती हूँ, क्योंकि उसको भी भूख लगी है। सुबह ऐसे ही चली गई थी बिना कुछ खाए पिए मेरे साथ। उसके बाद मैं आपको अपनी साड़ी दिखाऊंगी, तो साड़ी ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को कई बार, और कई बार पहन चुकी हूँ साड़ी को, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना, ये उड़ीसा की साड़ी है, तो इसका व्यू दिखा देती हूँ, इसको मतलब पूरा दिखा देती हूँ आपको, बहुत अच्छे। और इसका जो नीचे का बॉर्डर है ना, काफ़ी मुझे इस तरह की चौड़े बॉर्डर की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, और इसको मैं ना बहुत बार धो चुकी हूँ, लेकिन कपड़ा अभी तक ऐसे कैसे ही है इसका, और इसमें अभी कलप देना है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका, मतलब बॉर्डर देखिए कितना चौड़ा है, बहुत अच्छी साड़ी है ये। उड़ीसा से हम लोग लेके आए थे 4-5 साड़ी, मैं खुद लेके आई थी 4-5 साड़ी, तो ये मुझे पड़ी थी 1200 की साड़ी। अगर यहाँ लेंगे ना तो महंगी पड़ेगी, और MP में तो महंगी रहती हैं साड़ियाँ, इस तरह की बॉर्डर पर लुक कॉटन की साड़ियाँ रहती हैं ना वो। तो बस यहाँ पर मैं चेंज करके और अनुष्का को आ गई हूँ कोचिंग के लिए छोड़ने। तो चेंज तो मैंने कर लिया था काफ़ी पहले ही, क्योंकि ऐसी साड़ी पहन के घर में हम लोग डेली मतलब काम नहीं कर सकते हैं, वर्क नहीं कर सकते हैं, और इतने काम रहते हैं ना हाउसवाइफ को, कि इस तरह की साड़ियाँ पहन के नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी साड़ियाँ पहन के ही डेली रूटीन काम हो सकता है। तो बस यहाँ पर मैं अनुष्का को कोचिंग छाई हूँ। आज उसकी ऑफलाइन थी, उसने बोला था मुझे ऑफलाइन छोड़ देना। साथ में जो प्रांजल है ना, उसको अपना जो उसने स्केच बनाया था ना, उसको भी पार्सल करवाना था, किसी ने ऑर्डर करा था उसको, तो वही मतलब उसके लिए उस काम के लिए भी जा रही हूँ मैं। तो दिल्ली से किसी ने मतलब स्केच बनवाया था, कोई है जिन्होंने स्केच बनवाया, तो उसी को अब हम लोग पार्सल करने जा रहे हैं। पूरा एड्रेस एड्रेस सब दे रखा था। तो अगर आप भी मेरे बेटी का चैनल को विज़िट करना चाहते हैं, तो उसके चैनल को देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल लिस्ट में दे रखा है उसका चैनल, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बस इसका ये काम कर देती हूँ मैं, उसके बाद फिर देखते हैं। क्लीनिंग करना है मुझे, तो बस मॉर्निंग में तो हो नहीं पाया, तो बस शाम को अभी क्लीनिंग करूँगी, लेकिन अभी शाम की चाय बना लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं क्लीनिंग करने के लिए।
बस मैं आ गई हूँ बैठक में और यहीं पे बैठ के मैं चाय पीऊँगी। इनके पापा भी बात करते जा रहे हैं, साथ में मुझे ये कबर्ड साफ़ करना है। और इस लड़की ने ना इसके चारों तरफ है ना खिलौने खिलौने फैला रखे हैं। वो दोनों डॉल रखी कबर्ड पे, वो भी इसकी खिलौने की है और खेलने की है। साथ में यहाँ पर ये टॉयज़ रखे थे, मैंने और भी टॉयज़ थे, डॉल भी थी, उन सबको हटा हटा के इसने सारे उसके किचन सेट फैला दिए हैं। हर जगह इसका किचन सेट है, छोटा 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 सामान सब दूर फैला रखा है। और ये जो ताजमहल और ये कुछ मैं लेके आई थी हाउस बनाने के, तो इनको भी मैं फेंकूँगी अब, क्योंकि लेकिन ये मना कर रही है। देखो कितनी खुश हो गई, पढ़ाई छोड़ के उसमें लग गई है। तो मैंने बोला इनको मैं फेंक देती कि नहीं, मैं अपने डॉल हाउस के लिए, मैंने कहा डॉल हाउस के लिए रहने दो, बहुत सारा है डॉल हाउस के लिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब धूल धूल भी हो रही थी, क्योंकि ये खोल देती है सारे ग्लास, इनको हटा देती है और फिर गंदगी तो जमती है धीरे धीरे के जाकर उसमें। तो बस यहाँ पर ये गीला कपड़ा फेर देती हूँ, तो उससे क्या सारी गंदगी उसके अंदर आ जाएगी, इधर उधर उड़ेगी नहीं, क्योंकि पंखा चल रहा है, पंखे से फिर के सारी गंदगी और इधर उधर उड़ती है। तो गीले कपड़े से सारी डस्टिंग कर लिया, फिर उसके बाद सूखे से आप फेर दीजिए एक बार, हो तो सारा मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो इसे लबूरे लबूरे चलते ना वो भी नहीं चलते हैं, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और कॉटन कपड़े से लेते हैं ना तो सारी गंदगी कॉटन कपड़े में बहुत ही अच्छे से आ जाती है। तो बस यहाँ पर ये क्लीन हो गया है और मैं इनको बता रही हूँ, मतलब कुछ टॉपिक पे हमारी बात चल रही है तो बस वही बात मैं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कर लेती हूँ फटाफट क्लीनिंग। चलिए यहाँ का क्लीनिंग तो हो चुका है, यहाँ पर पोंछ देती हूँ जितनी भी गंदगी है गीले कपड़े में, इसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ के। और यहाँ पर थोड़ा सा फेल राइस को जमा देती हूँ, सारे सॉफ्ट टॉयज जो हैं उसके यहाँ पर कोने में जमा देती हूँ लोड के ऊपर रख के। तो मैंने उससे बोला था मैं यहाँ रख रही हूँ, तो आप सारे सॉफ्ट टॉयज को यहीं रखना, व्यवस्थित रखोगे तो फिर यहीं रहने दूंगी, तो मैं सारों को कबर्ड में डाल दूंगी। तो उसने हाँ बोला है। और इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट की अगर क्लीनिंग करते ना तो हम पे प्रेशर भी नहीं आता है और क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो देखिए सबको यहाँ जमा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप सभी लोग बेल आइकन के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें ताकि नोटिफिकेशन मिले आप लोग को और आप लोग मेरे वीडियोस वॉच कर सके। और बस इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करते हैं, कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। बस मम्मी का कॉल आ गया था तो उन्हीं से बात करने लगी थी। ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।